अनिल यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इस मामले में मतलब भागलपुर की जेल में कई अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे और उनकी आंखों में सुई चुभो करके पहले आंख फोड़ दी गई और उसके बाद उसमें एसिड डाल दिया गया। तो इस मामले में हिबियस कार्पस पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगी थी और उस मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार की टीम जो है भागलपुर जेल भेजी और वहाँ पर उन्होंने जो है वहाँ की जो रिपोर्ट थी और अन्य डिटेल्स वहाँ से लेकर वो आए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपनी डायरेक्शंस इशू की। ये 1982 का मामला है और उस समय सुप्रीम कोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और इस तरह के मामले जहाँ पर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हों, प्रिजनर हों, डेस्टिट्यूट ऐसे लोग जो जिनके पास पैसे नहीं है, जो कोर्ट नहीं पहुंच सकते, उन मामलों में प्रोएक्टिवली जो है सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं और केसों को डिटेल में सुना है। ये जो केस है अनिल यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये बड़ा इनफेमस केस है क्योंकि इस केस पे आपने मूवी भी देखी होगी, बॉलीवुड में मूवी बनी है गंगाजल, जिसमें जो है कुछ अपराधी होते हैं उनको पुलिस जो है उनकी आंखें फोड़वा देती है और अंक फोड़वा कांड के नाम से भी ये देश भर में जो है लोग जानते हैं। इस बात को अब देख लीजिए तकरीबन जो है 38 साल के करीब हो गए हैं और अभी भी लोग याद करते हैं भागलपुर जेल का अंक फोड़वा कांड। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास जब केस पहुंचा तो उस केस में डिटेल में इंक्वायरी करवाते हुए उसकी जानकारी लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपनी डायरेक्शंस इशू की।